अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदील, आप देख रहे हैं टेक वेफर और इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Huawei P30 Pro के लिमिटेड एडिशन पर्ल वाइट कलर की। और इसके साथ साथ देखेंगे कि ये डिवाइस किस कदर अच्छी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर जो दी गई डिटेल्स हैं वो क्या हैं। तो P30 Pro की ब्रांडिंग है और उसके साथ लाइका की ब्रांडिंग है, जिसका मतलब है कि इस फ़ोन के अंदर आपको जो लाइका का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे पिक्चर्स खींचने के काबिल होते हैं। उसके साथ साथ क्वाड कैमरा लिखा हुआ है, तो इस फ़ोन के अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के जो बॉटम पे दी गई डिटेल्स हैं उनकी, तो अगर हम उन्हें देखें तो इस फ़ोन की जो स्टोरेज है वो 128 गिग्स है। उसके साथ साथ जो है वो इसका कलर पर्ल वाइट है और 8 GB ऑफ रैम जो है इस फ़ोन के अंदर हमें मिल रही है। तो ये हो गई बॉक्स के ऊपर जो दी गई डिटेल्स थी वो। अब ज़रा हम चलते हैं बॉक्स की अनबॉक्सिंग की तरफ, और सबसे पहले तो मैं जो रैपर है उसको उतार लेता हूँ। चलें ज़रा अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो रैपर उतर चुका है, आप ज़रा बॉक्स को ओपन करते हैं। ओके जी, तो बॉक्स हो गया ओपन और सबसे टॉप पे हमें जो है वो P30 Pro डिवाइस देखने को मिल रही है। देखते हैं कि ये किस कदर अच्छी डिवाइस है। ओह माय गॉड, दिस डिवाइस फील्स हैवी और काफ़ी वज़न है इसका अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए दूसरी डिवाइसेस के साथ। और इसकी जो पर्ल वाइट कलर के अंदर ब्रिलियंट फीलिंग प्रोवाइड की गई है वो इस फ़ोन को जो है काफ़ी यूनिक बना देती है। और इस तरह का कलर जो है मैंने पहली बार ही देखा है किसी स्मार्टफोन के अंदर। मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा अनबॉक्सिंग नहीं की हुई अभी तक, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो इस डिवाइस का है वो फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी मज़ेदार है। और फ्रंट पे आपको जो ऑलमोस्ट फुल स्क्रीन व्यू देखने को मिलता है, जिसके साथ साथ आपको जो एक वाटर ड्रॉप या यू शेप नॉच के अंदर 32 MP का कैमरा दिया गया है। तो डिज़ाइन के बारे में अब बाद में बात कर लेते हैं। अब मैं इस डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ और जब तक ये ऑन होती है हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या प्रोवाइड किया गया है कंपनी की तरफ से। तो चलें ज़रा मैं ऑन करता हूँ डिवाइस को। ओके, तो डिवाइस को ज़रा साइड पे रख देते हैं जब तक ये ऑन होती है। इसके साथ साथ IMEI के स्टिकर्स अवेलेबल हैं और नीचे एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर आपको जो है वो सिलिकॉन प्रोटेक्टर और उसके साथ साथ जो है वो यूज़र गाइड देखने को मिल रही है। यूज़र गाइड जो है वो हम पढ़ नहीं रहे होते तो साइड पे रख देते हैं इसको, और सिलिकॉन प्रोटेक्टर की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं ज़रा। सिलिकॉन प्रोटेक्टर इस डिवाइस के साथ आई थिंक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए और ये काफ़ी अच्छी फीलिंग प्रोवाइड कर रहा है और आपकी एक्सपेंसिव डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये इससे भी बेहतर मार्केट से प्रोटेक्टर लेकर इस्तेमाल करें अगर आप ये डिवाइस प्लान कर रहे हैं परचेज़ करने की। ओके, तो इसके बाद इस फ़ोन में आपको जो है वो USB टाइप सी की केबल देखने को मिलती है साथ साथ, और इसके अंदर जो है पर्पल कलर का शेड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फ़ोन के अंदर जो है वो सुपर चार्जिंग की कैपेबिलिटी है और ये फ़ोन काफ़ी जल्दी चार्ज हो सकता है। इसी तरह की जो ब्रांडिंग है वो Realme 3 Pro के अंदर भी हमने देखी थी। अब केबल साइड पर रख देते हैं और देखते हैं कि इसका अडाप्टर जो है वो किस किस्म का है और कितने वाट का है। तो अडाप्टर को अगर देखें तो ये काफ़ी हैवी है और वेट इसका कंपैरेटिवली ज़्यादा है दूसरे चार्जर्स की निस्बत, और ये एक 40 वाट का चार्जर है, यानी कि आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी जल्दी चार्ज होने वाला है। और Huawei के मैनुअल के मुताबिक ये फ़ोन जो है वो अप टू 70% जस्ट 30 मिनट्स के अंदर चार्ज हो सकता है। इसके अलावा भी आप 45 वाट का चार्जर है और मार्केट से अडॉप्ट कर सकते हैं और उस पर भी आपकी स्पीड जो है चार्जिंग वो मज़ीद एक्सटेंड हो सकती है। स्टैंडर्ड Huawei के हेडफोन्स इसके साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो नेक्स्ट हैं, और ये USB टाइप सी कनेक्टर के साथ आ रहे हैं रेदर देन के आपके पास 3.5 mm हेडफोन जैक वाले हों। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि USB टाइप सी के प्रोवाइड कर रहे हैं हैंड फ्री, लेकिन Huawei को अब जो है फ्लैगशिप डिवाइसेस के साथ जो है हैंड फ्री को काफ़ी इम्प्रूव करना चाहिए, जिस तरह सैमसंग प्रोवाइड कर रहा होता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के AKG के हैंड फ्री प्रोवाइड कर रहा होता है सैमसंग। तो Huawei को भी ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। ये तो हो गई हमारी अनबॉक्सिंग, और उसके साथ साथ सिम इजेक्टर टूल के बारे में भूल गया था, तो इस डिवाइस के साथ आपको एज़ यूजुअल सिम इजेक्टर टूल भी मिल रहा है। तो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस यही था। अब ज़रा डिवाइस के डिज़ाइन और फीलिंग के बारे में बात कर लेते हैं हम।
डिज़ाइन की इन हैंड फीलिंग जो काफ़ी अच्छी है। और अगर हम बात करें इस डिवाइस के फ्रंट की, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। 1080p रेजोल्यूशन के साथ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल रही है आपको फ्रंट पे। ओवरऑल स्क्रीन काफ़ी हद तक अच्छी है इस डिवाइस की, और आपको ऑलमोस्ट फुल स्क्रीन व्यू देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट अ लिटिल नॉच। और टॉप बेजल्स काफ़ी हद तक कम हैं, और चिन जो है वो थोड़ी सी थिकर है कंपैरेटिवली, लेकिन ओवरऑल आपको ऑलमोस्ट एक फुल स्क्रीन व्यू देखने को मिलता है। राइट और लेफ्ट बेजल्स काफ़ी हद तक कम है, और एक राउंडेड स्क्रीन आपको जो ऑलमोस्ट मिल रही है इस फ़ोन के अंदर। राइट साइड पे आपको पावर बटन और उसके साथ साथ वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। पावर बटन के अंदर आपको रेड कलर का जो है मार्क नज़र आएगा, जो कि शायद पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें इस डिवाइस के बटन्स की क्वालिटी की जानेब, तो आप वॉल्यूम रॉकर्स काफ़ी सॉलिड हैं, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इंप्रेस करने का काफ़ी हद तक अच्छा है, और एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बॉटम की अगर बात करें, तो बॉटम पे आपको जो स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं, और स्पीकर्स की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो अभी हमें टेस्ट करना बाकी है, तो उसके बारे में बाद में ही बात करूंगा। साथ आपको जो है टाइप सी का कनेक्टर देखने को मिलता है, जो कि सुपर चार्जिंग की सपोर्ट रखता है। साथ ही एक माइक देखने को मिल रहा है उसके, और माइक के लेफ्ट साइड पे आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल रहा है। सिम ट्रे के बारे में बात कर लेते हैं कि इस फोन के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मतलब है कि आप टू सिम्स एट टाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक सिम और एक स्टैंडर्ड नैनो मेमोरी कार्ड जो कि हुआवे का प्रोप्राइटरी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ज़रा ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि किस किस्म का जो है वो स्लॉट बनाया गया है नैनो मेमोरी कार्ड के लिए। ओके, तो मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ इसको जल्दी से। तो ये आपका जी सिम ट्रे, और इसके अंदर या आप डुअल सिम इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर एक सिम और एक नैनो मेमोरी कार्ड। स्टोरेज इस डिवाइस की जो है वो 128 GB है, तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई कि अगर यूजेज में प्रॉब्लम हुई तो मैं नैनो मेमोरी कार्ड यूज़ कर लूँगा इस डिवाइस में। तो फ़िलहाल तो मेमोरी कार्ड के हवाले से और सिम्स के हवाले से इतनी डिटेल में दे सकता हूँ। इसको वापस इंसर्ट कर देते हैं फ़ोन के अंदर। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं बैक साइड की। तो बैक साइड इस डिवाइस की जो काफ़ी हद तक एक अलग फीलिंग प्रोवाइड कर रही होती है, और मैंने अभी तक किसी फ़ोन के अंदर जो है वो ये कलर कम्बिनेशन या इस तरह का ग्रेडियंट जो है रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं देखी। अब बात कर लेते हैं हम इसके जो है क्वाड कैमरा सेटअप की। तो इस फ़ोन के अंदर आपको जो है वो चार कैमरास देखने को मिलते हैं, उनमें से एक जो है वो 40 MP का सेंसर है, उसके साथ साथ 20 MP का वाइड लेंस है, देन एक 8 MP का पेरिस्कोप कैमरा है, और एक 3DPF सेंसर है, जिसका यूजेज फ़िलहाल के लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं टेस्ट करूंगा और फिर आपको बता पाऊंगा कि इसका क्या पर्पस है। PDF सेंसर के टॉप पे आपको जो LED फ्लैश देखने को मिलती है। ओवरऑल इमेजेस की क्वालिटी के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी सैंपल्स देखे हैं इस फ़ोन के वो काफ़ी अमेजिंग है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स जो है ये फ़ोन ले सकता है। और ओवरऑल DxO मार्क पे अभी तक जो सेकंड पोजीशन होल्ड कर रहा है, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की बात है, और जिसका मतलब है कि ये डिवाइस काफ़ी सारे डिवाइसेस को ना सिर्फ कम्पीट कर रहा है, बल्कि काफ़ी हाई एंड डिवाइसेस को ये बीट भी कर रहा है इमेजेस के हवाले से। वीडियो क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो क्वालिटी इस डिवाइस की काफ़ी हद तक अच्छी है देखने में आया है अभी तक, मैंने खुद टेस्ट नहीं किया हुआ, तो वो भी मैं कंप्लीट रिव्यू में टेस्ट करूंगा फिर आपको बताऊंगा। मैं जल्दी से ज़रा इसको सेटअप कर लेता हूं। अब बात कर लेते हैं हम इस डिवाइस के जेस्चर्स कंट्रोल के बारे में। तो मैं ज़रा जेस्चर्स को सेटअप कर लेता हूँ। अगर स्वाइप आप लेफ्ट टू राइट करते हैं तब भी आप बैक साइड पर चले जाते हैं इस डिवाइस में। ओके, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें राइट टू लेफ्ट स्वाइप करने की, तब भी आप अपने मेन्यू से बैक पे चले जाएंगे जहाँ भी होंगे। डायरेक्ट स्वाइप करते हैं अगर आप बॉटम से, तो आप होम पे चले जाएंगे, और स्वाइप अप करके होल्ड करते हैं तो आपके जो रीसेंट ऐप्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। ये क्वाइट सिमिलर है जिस तरह आईफोन के जो जेस्चर कंट्रोल है वो काम कर रहा होता है। iPhone 10 के अंदर मैंने टेस्ट किया था, ये सिस्टम इसी तरह एग्जैक्टली काम कर रहा होता है। और ये तो होगी जेस्चर्स के बारे में। और पर्ल वाइट कलर के अंदर जो है आपको जो है वो पर्ल वाइट कलर का जो है वो वॉलपेपर भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है और एक यूनिक फीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस है सो फार सो गुड। अब मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ कि क्योंकि इस फ़ोन की जो हाइप है वो कैमरा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा है, तो कैमरा की ऐप जो है वो
ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेट 20 प्रो है जो कि मैंने टेस्ट किया था लास्ट ईयर। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है उसकी बात करें तो मैं कुछ सैंपल्स आपकी स्क्रीन पे शो करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। मोर में अगर आप आएँ तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इसके कैमरा के अंदर, जिसमें स्लो मोशन है, उसके साथ साथ जो है वो एयर लेंस है, ब्राइटनेस कंट्रोल, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं जो कि इस डिवाइस को यूनिक करते हैं। और इसके साथ साथ मज़ीद आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑप्शंस की बात, अब जो है कैमरा सैंपल्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप जरा चेक करें और ख़ुद ही डिसाइड करें कि इसका जो ओवरऑल इमेजेस की क्वालिटी है वो कैसी है। तो ये थे कैमरा सैंपल्स, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरऑल क्वालिटी इनकी कैसी है। मैं मज़ीद जो है इन डेप्थ रिव्यू कैमरा का करके आपको एक वीडियो के बारे में बता दूंगा कि ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी और बाकी सारे फीचर्स जो हैं। अगर आपने कोई फीचर टेस्ट करवाना है तो तब भी आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। अबाउट सेक्शन की बात करें तो इस फ़ोन के अंदर जो है वो 128 GB स्टोरेज, 8 GB ऑफ रैम और Kirin 980 चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी फास्ट चिपसेट है और कम्पीट कर रहा है अगेंस्ट Snapdragon 855 के। तो उसके साथ साथ Kirin 990 जो है उसकी भी रिलीज डेट आ चुकी है और वो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है। तो Mate 30 Pro के अंदर जो है वो आपको Kirin 990 देखने को मिल सकता है और उसके बारे में मज़ीद जो है आप जब आएगा वो तब एक वीडियो बना देंगे। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की बैटरी के बारे में। तो इस डिवाइस में आपको 4200 mAh बैटरी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल आपको जो है वो 1 to 2 डे यूज़ के अंदर कोई भी इशू नहीं आने वाला। मिस्टर हुज़ द बॉस के टेस्ट के अंदर इस डिवाइस ने 2 दिन तक सस्टेन किया है, और जिसके मतलब है कि ये डिवाइस काफ़ी हद तक अच्छी है और बैटरी प्रिजर्विंग है। ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन जो है EMUI 9.1 के अंदर काफ़ी हद तक अच्छी की गई है, और EMUI 9.1 के बाद जो है 10.0 अभी जल्द ही आने वाला है। तो आई थिंक उसकी अपडेट के बाद आपको जो है वो बैटरी कंजम्पशन में मज़ीद बेहतरी देखने को मिलती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर अब मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लिया है सेटअप होने में क्योंकि एक ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आप स्पीड इसकी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, जल्दी से हो गया ये अनलॉक, और ओवरऑल स्पीड जो है वो शायद मज़ीद अपडेट के बाद जो है इसकी मज़ीद इंक्रीज़ की जाए, लेकिन अभी तक के लिए नॉट बैड। लेकिन सेंसर्स ऑन स्क्रीन या ऑप्टिकल सेंसर की बात की जाए तो वीवो या ओप्पो के जो फ़ोन्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो है वो P30 Pro का सेंसर जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव किया जाएगा। ओके जी, तो ये थी मेरी P30 Pro की अनबॉक्सिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी टेस्ट आपने कंडक्ट करवाना है रिव्यू के हवाले से, तो कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। आई विल ट्राई के उसको मैं कंडक्ट करूँ और रिव्यू वीडियो के अंदर शामिल करूँ। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, आपको जल्दी से अपडेट्स इस फ़ोन के बारे में मिलती रहेंगे, उसके साथ साथ अननेचुरल अपडेट्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।